हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक है आज का नाटक और एकांकी में अंतर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर एक दो साल के अंतर में जरूर पूछता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, या हो सकता है एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए, ऐसा भी आता है। ये क्वेश्चन 2, 3 या 4 किसी भी नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन है ना। तो आप इसके 4 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए, मतलब 5 से 6 पॉइंट की आप तो तैयारी कर ही लीजिए, जिससे कि यदि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आए या 3 नंबर में या 2 नंबर में, आपको 5-6 पॉइंट जब बनेंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। कोई पॉइंट भूले भी तो भी आप अपने पूरे में पूरे नंबर पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको नाटक और एकांकी के 7 पॉइंट बताएंगे। यदि आप ये पॉइंट लिखते हैं आपके एग्जाम में, तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। शुरू करने से पहले मेन बात कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, नाटक एकांकी की अपेक्षा बड़ा होता है। तो एकांकी में हम लिखेंगे कि एकांकी नाटक की अपेक्षा छोटी होती है, इसमें तुलना करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। एकांकी में कथानक की विकास प्रक्रिया आरंभ से ही द्रुत गति से बढ़ती है, मतलब तेजी से बढ़ती है। थर्ड पॉइंट समझ आया, जब हम किसी भी नाटक का वर्णन करते हैं तो उसमें जो प्रारंभ होता है वो धीरे धीरे होता है, और एकांकी स्टार्टिंग से ही स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा, नाटक के कथानक में विस्तार रहता है, और एकांकी में हो जाएगा, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, ठीक है। नाटक का फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, नाटक में पात्रों की अधिकता होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा, नाटक दर्शकों पर पूर्ण प्रभाव छोड़ता है, जबकि एकांकी दर्शकों पर एक प्रभाव छोड़ती है जो कि सजीव एवं गहरा होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि जब भी आप अंतर लिखें तो लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल जरूर दें। तो यहाँ लास्ट पॉइंट हो जाएगा, 7th नंबर का उदाहरण हम लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है। दूसरा हो जाएगा इसी में, जयशंकर प्रसाद का समुद्रगुप्त एक नाटक है। एकांकी में हम उदाहरण लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान एकांकी है। तो इस प्रकार हमारे 7 पॉइंट कम्प्लीट होते हैं। यदि ये सारे पॉइंट आप आपके एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।